मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार की किसानों को सबसे बड़ी राहत देने वाली कर्ज माफी योजना अब बेहद कारगर साबित हो रही है, लेकिन बालाघाट जिले के ऐसे दर्जनों किसान हैं जो इस योजना से वंचित रह गए। बकायदा इन किसानों को जमीन के आधार पर बैंक से ऋण और पूर्व की योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया था, लेकिन कर्ज माफी का इनको लाभ नहीं दिया जा रहा। अपात्र होने के बाद पीड़ित किसानों ने योजना के लाभ के लिए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। दरअसल कटंगी क्षेत्र के दर्जनों किसान कई वर्षों से मध्य प्रदेश के बालाघाट से पलायन होकर सटे हुए महाराष्ट्र के गांवों में बस गए हैं, लेकिन उनकी पुश्तैनी खेती और घर बालाघाट जिले में है। बहरहाल जय किसान ऋण माफी योजना के नियमों के अनुसार यहां के दर्जनों किसान जो महाराष्ट्र में निवास कर रहे हैं वे अपात्र बने हुए हैं। ऐसे किसानों की बालाघाट जिले में काफी संख्या है। अब इस मामले में अधिकारी शासन के फरमान के आगे मजबूर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मेरी पूर्वजों से खेती यहाँ पर मध्य प्रदेश में हरदोली ग्राम में, और मैं बैंक से कुछ कर्ज लिया था। वो कर्जे का लिस्ट में नाम आने के बावजूद भी उन लोगों ने ग्राम पंचायत से निवासी नहीं हो करके हमारे फार्मर सबमिट नहीं किए। आकर इधर खेती भी करते हो ना, इधर के सोसाइटियों में धान भी बेचते हैं, इधर के सोसाइटियों से ऋण भी लेते हैं, इधर के बैंकों से ऋण भी लेते हैं। के नाम से जो दिया जा रहा है कर्जा, यहाँ के कृषक है, जब बैंक ने इनको कर्जा दी तो कर्जा माफ होने का भी अधिकार बनता है। वो चूंकि मसला शासन स्तर का है तो शासन स्तर पे इस बात को हमारे स्तर से भी आगे बढ़ा दी जाएगी, और जो हितग्राही है, जो प्रभावित है, उन लोगों को भी शासन के समक्ष अपनी ये बात रखी जानी चाहिए। हो सकता शासन इस पर विचार करें।